फिल्मों में ज्यादातर हीरो की एंट्री पर तालियां बजा करती थी थिएटर में, लेकिन अब विलेन के इमोशन में बहकर भी दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो जाते हैं। और ये जो स्टाइल नया लेके आया है वो पुष्पा फिल्म के अल्लू अर्जुन का है। झुकेगा नहीं साला, ये सबको याद होगा। फ्लावर समझाए क्या? फ्लावर नहीं, फायर अपन फायर। जी हाँ दोस्तों, पुष्पा 2 का टीजर आ गया है और इस बार अल्लू अर्जुन एक नए गेटअप में साड़ी के लुक में दिखाई दे रहे हैं। काफी अतरंगी गेटअप लग रहा है ये। BGM यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल अलग प्रकार का है और मुझे इसको देख के कांतारा फिल्म की याद आ गई। और अल्लू का जो स्टाइल है यानी कि अल्लू जो इस लुक को कॉपी करके आए हैं वो काफी स्टडी के बाद पता चलता है कि तेलंगाना में एक आदिवासी जो लोग रहते हैं जो एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसका नाम है मेदराम यात्रा, जिसको कि कोया ट्राइब है वो मनाता है। वहाँ के जो लोकल देवी देवता हैं उनको खुश करने के लिए जब मनाया जाता है उस गेटअप को लेके आए। आपको याद होगा कि जब अल्लू अर्जुन फिल्म में जंगल की तरफ चले जाते हैं और जंगल के बाद जो ये आए हैं साड़ी का लुक लेके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शक्ति की कमी आ गई थी इनमें, तो वो जंगल जाते हैं और वहाँ उन देवी देवताओं को पूजा करते हैं और शक्ति को लेकर अपने साथ में आए हैं। शक्ति और शिव के सामंजस्य से ये जो दोबारा एक एनर्जी को बिल्ट करेंगे और इनके जो दुश्मन है फिल्म में उनको उनका खात्मा करेंगे इस अर्धनारीश्वर रूप को लेकर, ऐसा इस फिल्म में लग रहा है। बड़ा ही स्टाइल है, बड़ा स्वैग है उनके कैरेक्टर में। एक अर्धनारीश्वर दिख रहा है, एक स्टाइल दिख रहा है। मुझे लगता है कि और कोई कैरेक्टर इस लुक को शायद कॉपी नहीं कर सकता। मुझे एक कैरेक्टर दिखाई देते हैं, शाहिद कपूर या हम कह सकते हैं रजनीकांत, आशुतोष राणा, इस तरह के लोग इस कैरेक्टर को शायद कॉपी कर सकते हैं या इस कैरेक्टर में बह सकते हैं, दर्शकों का मनोरंजन भरपूर कर सकते हैं। तो देखते हैं ये फिल्म किस तरीके का कमाल करती है, क्या करती है। टीजर लोगों को पसंद आ रहा है, देख के बताइए आपकी कैसा है।